कमिश्नरी कार्यालय में स्थित कमिश्नर्स कोर्ट्स बार एसोसिएशन के हाल में शनिवार को सामाजिक परिवर्तन मंच के तत्वाधान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सामाजिक परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय संयोजक दद्दू प्रसाद उपस्थित रहे। सामाजिक परिवर्तन मंच के तत्वाधान में आयोजित बहुजन राजनीति की दिशा एवं दशा पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक परिवर्तन मंच से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सामाजिक परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय संयोजक दद्दू प्रसाद ने कहा, तो 6 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चों की संख्या 20 करोड़, केंद्रीय विद्यालय जिनकी संख्या 1125 है उसमें भी 12 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। समथिंग 1000-2000 का इधर उधर हो सकता है। 12 साल अम्बेडकर के फंडामेंटल राइट का भारत सरकार यहाँ पर पालन कर रही है, हम धन्यवाद देते हैं। शिक्षा से अनुमान शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और 19 करोड़ 76 लाख में से तो 19 करोड़ 76 लाख में से 6 करोड़ बच्चों के माँ बाप लायक लोग हैं, वो गार्जियन लायक हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रबंध सप्लीमेंट्री वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। नर्सरी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल खोल रखे हैं, वो अपने बच्चों के लिए उन्होंने 6 करोड़ बच्चों के माँ बाप ने व्यवस्था कर रखी है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर 13 करोड़ बच्चों के माँ बाप जिनमें से आप है, आपने भी कोई नर्सरी स्कूल खोला? आपने कोई नर्सरी स्कूल खोला क्या? पूरी गांव पूरा समाज हमारा खतरनाक लगने की ओर अग्रसर है और ऐसे हालात खड़े होने वाली है कि आरक्षण बरकरार रहेगा और आरक्षण का उपयोग करने लायक आप नहीं रहेंगे। शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है और किस प्रकार शिक्षा को जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का में प्राविधान है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के प्रत्येक बालक को भारत सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करेगी, परंतु सरकार ने केवल 24 लाख बच्चों के पढ़ने के लिए ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में कर रखी है। हम चाहते हैं कि भारत के संविधान के इस मूल अधिकार के भावना का तहत देश भर में वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी को लागू किया जाए। ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, ये नई शिक्षा नीति का जो प्रस्ताव भारत सरकार का आया है, ये प्रकारांतर से मनुस्मृति को लागू करने का षड्यंत्र है जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वो देश भर में 600 हैं, वो 600 नहीं वो 6 लाख होने चाहिए और प्रथम लॉट में ही कम से कम 2 लाख जवाहर नवोदय विद्यालय देश में स्थापित किए जाएं। शिक्षा का जो बजट है वो अभी GDP का 3.5% है, इसको बढ़ा करके 25% किया जाए तभी प्रत्येक बसावट में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित हो पाएगा। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अच्छे केंद्र हैं वो, और जो मिड डे मील है, मिड डे मील ने विद्यालय की गरिमा को भोजनालय में तब्दील कर दिया है, इसलिए जो मिड डे मील है ये अभिभावकों के खाते में सीधे प्रतिपूर्ति धनराशि के रूप में भेजी जाए और ये मिड डे मील योजना समाप्त की जाए। इसने जो ग्रामीण अंचलों में जो शिक्षण कार्य है अध्यापन कार्य है उसको ध्वस्त करके रख दिया है। हम देश में बाइपोलर यानी द्विदलीय शासन प्रणाली नहीं लागू होने देंगे। इस देश में नए नए दलों को बनने का और उभरने का पूरा अवसर संविधान ने दिया है और ये बाइपोलर सिस्टम को लागू करने का जो सत्ताधारी वर्ग चाल चल रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरीके से संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए हम चाहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन चूंकि एग्जामिनेशन एक है और जब एग्जामिनेशन एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए। धन्यवाद।